Hello friends, how are you? Today I will start exercise 3.4. 3.4 using elementary transformation, find the inverse of the each of the matrix if it exists. Exercise 1 to 17 means 1 to 17 question हमने solve करने हैं. आगे 18 आपका optional question है. First of all आता है inverse. Meaning of inverse. Inverse क्या होगा? A matrix multiply B matrix is equal to identity matrix. Then A inverse is equal to B. हमने solve इसी तरीके से करना है. Inverse matrix में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हम row में change करते हैं तो हमारा A is equal to IA लिखना है, अगर column में change करते हैं तो A is equal to AI लिखना है. यहाँ हम A इसकी value निकालते हैं, इस A की. Then फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ए इज इक्वल टू वन टू माइनस वन थ्री, देन ए इज इक्वल टू आई ए. हम क्या कर रहे हैं, रो में चेंजेस कर रहे हैं. वन टू माइनस वन थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए. हमने आर टू पर रिएक्शन लगाया, आर टू माइनस टू आर वन, बोथ साइड रिएक्शन लगती है तो हमारा आ गया वन माइनस वन ज़ीरो फाइव इज इक्वल टू वन ज़ीरो माइनस टू वन मल्टीप्लाई ए, ये वाला ए ऐसे ही चलता रहता है. देन आर टू पे वापस रिएक्शन लगाई हमने, 1/5 से उसको डिवाइड किया, 1/5 से डिवाइड किया तो हमारी रिएक्शन हमारी जो मैट्रिक्स बन गया वो ये बन गया, 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 2/5 0 1/5. देन हम आर वन पे रिएक्शन लगाएंगे, आर वन प्लस आर टू, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई यहाँ पर 1 0 0 1 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5. देन इन्वर्स हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा क्या है, इन्वर्स. सेकंड क्वेश्चन ए इज इक्वल टू टू वन वन वन, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, रो में हमने चेंजेस करने हैं. हमने रो में चेंज किया तो ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए. आर वन पे हमने रिएक्शन किया, बोथ साइड रिएक्शन होगी, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू किया देन दिस आ गया, ये मैट्रिक्स बना. देन हमने फिर से रिएक्शन की आर टू पर, आर टू पे रिएक्शन की आर टू माइनस आर वन, तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये हमारा ये. तो ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 2. देन थर्ड क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 1 2 3 7, ए इज इक्वल टू आई ए, सेम रो में रिएक्शन करेंगे हम लोग, 1 2 3 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन ए आर टू पे हमने रिएक्शन किया, आर टू माइनस टू आर वन, तो हमारा क्या हो गया, 1 0 3 1 1 माइनस 2 0 1 इंटू ए. देन आया हमारा आर वन पे रिएक्शन करा, आर वन माइनस थ्री आर टू, तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और हमारा ये बन गया, ये वाला मैट्रिक्स बन गया, तो हमारा ये क्या आ गया, एक इन्वर्स मैट्रिक्स. देन फोर्थ क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 2 5 3 7, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए. देन ए में हमने रो में रिएक्शन किया, 1/2 से आर वन को डिवाइड किया, आर वन पे रिएक्शन की थी हमने, देन हमने 1/2 से डिवाइड किया तो हमारा ये 1 हो गया, देन हमारा ये 1/2 0 1 ये. अब हम आर टू पे रिएक्शन करेंगे, आर टू माइनस फाइव आर वन, तो आर टू माइनस फाइव आर वन क्या हो जाएगा, 1 0 3/2 1 माइनस 1/2 इधर 1/2 माइनस 5/2 0 1 a. अब हम आर वन पे रिएक्शन करेंगे, आर वन प्लस थ्री आर टू, देन हमारी इक्वेशन बनेगी 1 0 0 1/2 = -7 3 - 5/2 1 a. देन हम आर टू पे रिएक्शन करेंगे, माइनस टू आर वन हमने करा रिएक्शन, देन आर वन पे हमने रिएक्शन लगाई थी, टू से माइनस टू से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई, सॉरी, तो 1 0 0 1 - 7 5 3 2, तो हमारा ये क्या आ गया, इन्वर्स मैट्रिक्स. देन क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 2 1 7 4, सेम हम रो में रिएक्शन करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, आई ए इज इक्वल टू आई ए. देन हमने आर वन पे रिएक्शन की, 1/2 r1 r2, तो हमने 1/2 r2 किया तो ये हमारा, सॉरी, 1/2 r1 होगा. देन आर वन पे रिएक्शन की हमने, 1/2 r1 1 1/2 1/2 0 7 4 0 1. देन हमने आर टू पे रिएक्शन की, आर टू माइनस सेवन आर वन,
तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 1 0 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 7/2 1 a। अब हम करेंगे आर वन पे रिएक्शन, आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा दिस वन, और हमारा इधर जो बोथ साइड हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स इस साइड ये बनेगा। देन हम आर टू पे वापस रिएक्शन करेंगे, 2 r2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये आएगा, तो हमारे ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 4 - 7 - 1 2। देन 6th क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2 1 5 3। अब हम यहाँ भी रो में रिएक्शन करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, देन हमने आर वन पे रिएक्शन की 1/2 r1, तो हमारा यहाँ पे 1 हो गया और ये 5/2 और ये 1/2 0, देन ये। अब हमने आर टू पे रिएक्शन की, r2 - r1 करते ही हमारा क्या हो गया, यहाँ हो गया 0 क्योंकि हमने r2 पे किया था इसलिए, और ये 1/2, तो हमारा ये आ गया। देन आर वन पे रिएक्शन किया हमने r2 - 5 r1, इससे हमारी क्या क्या मैट्रिक्स बनी, 1 0 0 1/2 इज इक्वल टू 3 - 1/2 - 1 5 1 a। देन हमारा आया आर टू पे रिएक्शन की 2 r2, तो हमारा ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये हमारी ये मैट्रिक्स बनी, तो हमारा ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ a। अब हम करेंगे नेक्स्ट, जो हमारी क्या है, ए इज इक्वल टू 3 5 1 2। अब हमने कॉलम पे करके दिखा रहे हैं, अभी तक हमने रो में किया था, अब हम कॉलम पे करेंगे। कॉलम में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए आई, और रो में क्या था, ए इज इक्वल टू आई ए, अब ए पहले आएगा, तो 3 5 1 2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस। देन हमने सी वन पे रिएक्शन की, c1 - 2 c2, तो c1 - 2 c2 हमारी ये रिएक्शन हुई। देन c2 पे रिएक्शन की, c2 - c1, देन हमारा ये मैट्रिक्स बन गया और इधर ये। देन c1 पे रिएक्शन की, c1 - c2, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और इज इक्वल टू a एंड दिस वन, तो a इनवर्स की वैल्यू हमारी हो गई 2 - 5 - 1 3। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू 4 3 5 4, a इज इक्वल टू आई ए, a इज इक्वल टू आई ए। देन हमने रो में रिएक्शन करी, r1 पे रिएक्शन की, r1 - r2, हमारी ये आया, ये मैट्रिक्स आया और हमारा इधर से ये आया। देन हमने r2 पे रिएक्शन की, r2 - 3 r1, दिस रिएक्शन, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम r1 पे रिएक्शन करेंगे, r1 पे r1 - r2, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और इधर ये बनेगा, तो हमारा ये इनवर्स मैट्रिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, a इज इक्वल टू 3 2 10 7, देन रो में ही रिएक्शन करेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू आई ए, हमने वैल्यू पुट करी है। देन r1 पे रिएक्शन की, r1 - r2, देन ये आया मैट्रिक्स, इधर ये आया मैट्रिक्स। देन r2 पे रिएक्शन की, r2 - 2 r1, देन ये और ये, अगेन r1 पे रिएक्शन की, r1 - 3 r2, तो हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और हमारा ये इधर ये वाला मैट्रिक्स बन गया। देन a इनवर्स इज इक्वल टू दिस। देन 10th क्वेश्चन, 3 - 4 - 1 2, a इज इक्वल टू ए आई, हमने यहाँ किस पे रिएक्शन किया, कॉलम पर, फिर हमने वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे c1 पे रिएक्शन की हमने, c1 + 2 c2, तो हमारी वैल्यू आ गई ये, देन इस साइड आएगी हमारी ये। देन हमने की फिर से c2 पे रिएक्शन की, c2 + c1, देन 1 0 0 2 इज इक्वल टू ए, 1/1 2 1 3। देन हमने c2 को 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और इधर हमारी डिविजन ऑफ 2 में आ गया, तो हमारा ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 3/2। देन 11th क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2 1 - 6 and - 2, हमने वापस किस पे किया, कॉलम पे रिएक्शन किया, ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू ए आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। c2 पे हमने रिएक्शन की, c2 + c3, देन 2 0 1 1 इज इक्वल टू ए 1 3 0 1। देन हमने की c1 पे रिएक्शन की, c1 - c2 हमने रिएक्शन की थी, देन हमारा ये आया और a इज इक्वल टू दिस वन। हमने c1 पे वापस रिएक्शन की, 1/2 c1, 1/2 से डिवाइड कर दिया, देन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये a किधर, ये, तो इनवर्स मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, -1 3 - 1/2 1। देन 12th क्वेश्चन,
ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। देन हम कहते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, मीन्स हमने रो पर रिएक्शन करेंगे हम, 6 माइनस 3 माइनस 2 1 1 0 0 1 ए। देन आर वन पे रिएक्शन की, आर वन पे रिएक्शन की 1 बाय 6 आर वन, तो हमारा ये 6 चला जाएगा, तो हमारा ये गया 1 आ गया, ये माइनस 1 बाय 2, ये 2, ये 1, देन ये इधर 1 बाय 6 हो गया, देन 0 0 1। अब हम आर टू पे रिएक्शन करेंगे, आर टू प्लस 2 आर वन, तो हमारा आएगा 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 6 0, 1 बाय 3 1। अब ये देखिए इसमें क्या आ गया, हमारा बोथ साइड क्या आ गया, 0 आ गए, एक रो हमारी पूरी नल हो गई। अगर पूरी नल हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर डबल 0 आ जाती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 3 2, ए इज इक्वल टू आई ए, मीन्स रो पर रिएक्शन होगी हमारी 2 माइनस 1 माइनस 3 2 इज इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स इंटू ए। आर वन पे रिएक्शन की हमने, आर वन प्लस आर टू, देन 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन हमने रिएक्शन किए तो यहाँ पे क्या आ गया 1। देन आर टू पे रिएक्शन की हमने, आर टू प्लस आर वन, तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये हमारा दिस वन, तो हमारा इन्वर्स क्या हो गया दिस। 14 क्वेश्चंस, ए इज इक्वल टू 2 4 1 2, ए इज इक्वल टू आई ए, देन हमने किया 2 4 1 2 रो में रिएक्शन की, आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस 1 बाय 2 आर टू, तो हमारे दो एलिमेंट हो क्या हो गए जीरो हो गए, दो एलिमेंट जीरो होते हमारी क्या हो गई है ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। देन आता है 15 क्वेश्चन, 15 इज 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, हमने रो में रिएक्शन की, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, देन आर वन पे हमने रिएक्शन की आर थ्री माइनस आर वन, और आर टू पे रिएक्शन की आर टू माइनस आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 1 1 माइनस 1 0 5 0 3 माइनस 2 2, इधर माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0 0 0 1, देन हमने किया आर थ्री पे रिएक्शन आर थ्री माइनस 3 आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस देन दिस। हमने फिर रिएक्शन की आर टू से 1 बाय 2 आर टू, आर थ्री पे की 1 बाय 3 आर थ्री, 1 बाय 5 आर थ्री, सेम किया 1 बाय 5 से दोनों को डिवाइड किया, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस एंड दिस। हमने फिर किया आर वन भी रिएक्शन की आर टू माइनस आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस। देन हमने आर थ्री भी रिएक्शन की आर थ्री प्लस आर टू, देन हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस और दिस। अब हमने रिएक्शन की आर वन पे आर वन माइनस आर थ्री, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इधर और इधर हमारा ये, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई माइनस टू माइनस टू बाय फाइव माइनस सेवन बाय फाइव, 1 माइनस 1 बाय 5, 1 बाय 5 0, माइनस 4 बाय 5, 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5। 16 है हमारा, a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 5 0, a इज इक्वल टू आई ए, हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस एंड दिस। तो हमने पहली रिएक्शन की r2 पे r2 प्लस 3 r1, r3 पे रिएक्शन की r3 माइनस 2 r1, तो हमारा मैट्रिक्स बना दिस एंड दिस। देन हमने रिएक्शन की आर वन पे आर वन प्लस थ्री आर थ्री, आर टू पे रिएक्शन की आर टू प्लस एट आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस। देन हमने आर थ्री पे रिएक्शन की आर थ्री प्लस आर टू, देन हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस एंड दिस। हमने नेक्स्ट रिएक्शन की आर थ्री पे आर थ्री इज इक्वल टू 1 बाय 2 25 आर थ्री, देन हमारा मैट्रिक्स बनेगा दिस एंड दिस। देन हमने किया आर वन पे रिएक्शन आर वन माइनस 10 आर थ्री, और आर टू पे रिएक्शन किया आर टू माइनस 21 आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ये हमारा आ गया ये मैट्रिक्स। देन ये मैट्रिक्स हमारा ये क्या हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। देन आता है 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू 2 5 0 0 1 1 माइनस 1 0 3, ए इज इक्वल टू ए आई रो में रिएक्शन, देन हमने ये लिखा ए इज इक्वल टू आई ए, देन आर वन इज इक्वल टू आर वन पे रिएक्शन की 1 बाय 2 आर वन, तो हमारा ये 1 बाय 2 आर वन हुआ, देन हमारा ये आ गया
देन हमने रिएक्शन की आर टू पे, आर टू माइनस फाइव आर वन, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस एंड दिस। देन हमने की आर थ्री पे रिएक्शन, आर थ्री माइनस आर टू, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस एंड दिस। देन हमने रिएक्शन की आर थ्री पे टू आर थ्री, देन हमारा मैट्रिक्स बन गया दिस देन दिस। फिर हमने किया आर वन पे रिएक्शन, आर वन प्लस हाफ आर थ्री, और आर टू पे रिएक्शन किया आर टू माइनस फाइव बाई टू आर थ्री, तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, थ्री माइनस वन वन, माइनस फिफ्टीन सिक्स, फाइव फाइव, माइनस टू टू, देन हमारा ए इनवर्स। देन 18 क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने अभी बताया था इनवर्स में क्या चीज़ फॉलो होती है, ए बी इज इक्वल टू अगर आई है या बी ए इज इक्वल टू आई है तब वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो हमारा ऑप्शन है डी, डी इज राइट आंसर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं ये एनसीईआरटी का मैट्रिक्स जो का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।